चलिए बात लाल कुआं की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर लाल कुआं नगर में जिला प्रशासन के अपर निर्देश में ही खाद्य विभाग, राजस्व विभाग और साथ ही ड्रग विभाग की संयुक्त टीम यहाँ पर शहर की दर्जनों जो है किराना और साथ ही दुकानों पर, मेडिकल साथ ही होटलों पर, ढाबों पर यहाँ पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की। एक अभियान चलाया गया और वहीं प्रशासन के अभियान को देखते हुए कई मेडिकल मालिक और साथ ही दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए। वहीं अभियान के दौरान प्रशासन को यहाँ पर मेडिकल और साथ ही दुकानों में भारी अनियमितताएं मिली हैं, जिस पर प्रशासन ने दुकानदारों को यहां पर चेतावनी देते हुए उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की। आपको बता दें कि यहां पर तहसीलदार मनीषा बिष्ट के नेतृत्व में यहां पर ड्रग्स इंस्पेक्टर मीनाक्षी बिष्ट और साथ ही जिला अभिहित यहां पर अधिकारी संजय कुमार की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। संयुक्त निरीक्षण किया गया खाद्यान्न विभाग, राजस्व विभाग, मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा, और हमारा इसमें मकसद ये था कि जो भी एक्सपायरी आइटम बेचे जा रहे हैं क्षेत्र अंतर्गत, उनको तुरंत क्षेत्र से हटाया जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी अभी बीमारियां फैल रही हैं क्षेत्र के अंतर्गत, वो भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि एक्सपायरी आइटम क्षेत्र में बेचा जा रहा है, तो उसको हमने बेस बना के इस तरह की कार्रवाई की। टीम थी जिसमें तहसीलदार मैडम थी और स्वास्थ्य विभाग में एक मेडिकल डॉक्टर्स थे, फूड सेफ्टी और ड्रग डिपार्टमेंट के लोग थे। एक आज ये अभियान चलाया था कि जो फूड और ड्रग आइटम हैं, दवाइयाँ, खाने की चीज़ें हैं, एक्सपायर्ड ना बेची जाएं, इसके लिए एक जांच अभियान था। तो आज हमने जांच की है, कुछ जगह पर एक्सपायर्ड आइटम मिला है तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक आध जगह लाइसेंस नहीं दिखा पाए तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई।